क्वेश्चन और कहाँ से लाएगा, सिंपली यही सब चीजें पूछा जाता है। तो क्योंकि उनको 150 क्वेश्चन बनाना है, 150 में हमें लगता है टेक्निकल 70-80 रहेगा ही रहेगा, ऐसे 100 तो हमने लिख के रखा है कि 100 टेक्निकल पूछेंगे और 50 में शायद नॉन टेक्निकल रहेगा, 15 राजभाषा रहेंगे, ऐसा ही है ना महेश सर? आपने ध्यान से देखा है? अच्छा 80-70 है, 80 टेक्निकल, 70 में मैथ्स रहेगा, जीके रहेगा एंड अच्छा 30 एस्टेब्लिशमेंट, ये तो हो गई 150 और बाकी 15 राजभाषा, या 25 टोटल, नहीं टोटल टोटल 150 तो नहीं है ना, 165 या 175 क्वेश्चन है टोटल। जी एक मिनट, हमको 80 हो गया टेक्निकल, 40 हो गई जो मैथमेटिक्स वगैरह साइंस मैथ्स वगैरह पूछेगा ना, जनरल साइंस, अच्छा जनरल साइंस में ही राजभाषा को जोड़ दिया। अब मैंने 40 और 15 ये 45 क्वेश्चन, 40-55 क्वेश्चन हो जाएंगे ये 40 वाला, जी जिसमें 40 जवाब देना है। ओके ओके ओके, अब बाकी 30 हमारा फिर इस्टेब्लिशमेंट है ही। अच्छा जी हाँ, उस इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस 30 है ही, इसमें 15 क्वेश्चन हमारे राजभाषा इसी में आके जोड़ देंगे। नहीं अच्छा है, इसका तो मैथ्स वगैरह 10th स्टैंडर्ड पूछता है, ज़्यादा टफ रहता नहीं है। और साइंस में हम सलाह देंगे अगर आप लोग प्रॉपर पढ़ रहे, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, कोई अच्छा डाला है ठीक है, अगर इसका 100% जवाब देना है, एकदम सिंपल सी एक किताब बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी मीडियम में भी, लूसेंट पब्लिकेशन एक जनरल साइंस करके निकालता है, ठीक है, लूसेंट पब्लिकेशन की किताब आती है कंपटीशन, ये जनरल कंपटीशन वालों के लिए, और वो उसमें सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के नाम से निकालता है। तो उसकी अगर फिजिक्स पढ़ लिया जाए पूरा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो रेलवे वाले हम लोग को पूछते हैं जनरल फिजिक्स, मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ या वगैरह वगैरह जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन, कुछ भी छूटने का चांस है संभवतः। जैसे कि बताइए क्या नहीं मिलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कुछ कुछ सवाल नहीं मिल सकते, हाँ कुछ सवाल नहीं मिल सकते हैं उसमें जी। और हाँ, तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अधिक रहता कहाँ है, न्यूमेरिकल अगर देता, हाँ नहीं आप बैठे नहीं, तो न्यूमेरिकल अगर देता भी है ना, तो बिल्कुल सिंपल 9th-10th वाला फिजिक्स का न्यूमेरिकल, मोशन का दे दिया, मैग्नेटिक्स का दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट वाला भी बराबर IR का दे दिया, सिंपल वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस आपको दे देगा, पैरेलल सीरीज के हिसाब से उसका कंबाइंड वाला निकाल दीजिए, 9th-10th का न्यूमेरिकल देता है, उससे टफ नहीं देता है। बट इस बार नया पैटर्न है, नायर बना रहा है, पता नहीं थोड़ा बहुत चेंज करे अलग बात है, बट अब तक तो इन लोगों की मानसिकता देखते थे जोनल वालों की, तो बहुत मतलब सिंपल हवा में क्वेश्चन बनाते थे कि लगेगा कि जी। तो नहीं ठीक है, अब नायर वाले बनाएंगे तब थोड़ा बहुत क्या चेंज आएगा अलग बात है, तो इस बार देखने से पता चलेगा। बट चलिए हाँ, अपनी कोशिश प्रयास रखना, एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्वेश्चन भी बनाएगा, बाकी जिम्मेदारी जोनल वाले को ही दिया जा रहा है कि आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम लीजिए, कॉपी लीजिए, फिर चेक भी आप ही करिए, नंबर भेज दीजिए, वेलवेट करके वो स्क्रूटनी करेगा और फिर इसको दे देगा कि आप इंटरव्यू लीजिए, मेडिकल करा के लड़का हमको दे दीजिए, तो उस जोनर को मिल जाएगी। नहीं, मोन CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड CBT होगी, और क्वेश्चन हमें लगता है नायर ही, हाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत हद तक आएगी, 100% नहीं क्या, लेकिन फिर भी हद तक कंट्रोल होगा, बिकॉज कि हमारा जो ये 150 मार्क्स है, इसमें तो नायर अगर क्वेश्चन देती है CBT के हिसाब से डायरेक्टली कंप्यूटर पे हमको भेजा जाता है, तो जिनके साथ पारदर्शिता नहीं है वहां पे उसे कॉपरेट किया जाएगा, ठीक है तो मोबाइल वोबाइल से खोज लो, बट क्वेश्चन नहीं मिल सकता है, और चेक करने के दौरान में भी अगले के हाथ में कुछ नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड चेक है तो नॉर्मली हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये दो चीजों में बहुत हद तक पारदर्शिता आएगी जहां तक मुझे लगता है। तो चलिए ठीक है, उतना निगेटिव सोच के नहीं देखा जाता है,
ठीक है, बट जहां तक मैनुअल प्रॉब्लम था वो बाकी तो अलग बात है, वो तो लास्ट ऑप्शन है, वही है, वही जे राम रची राघा। हाँ जी, पहले के रेस्पेक्ट में हमें लगता है मेरिट वालों के लिए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देंगे हम, बिहार यूपी वालों को 99 के पहले रेल में आना बहुत मुश्किल था हिंदी भाषियों को, बिकॉज ग्रुप सी की नौकरी में भी इंटरव्यूज थे और मैक्सिमम लोग रिटर्न पास करते थे, इंटरव्यू में छांट दिया जाता था। नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर बने, उन्होंने जब से इंटरव्यू हटा दिया, आज आप रेल में पलट के देख लीजिए, ऑल इंडिया में कहीं भी जाइएगा 10 हिंदी भाषी मिल जाएंगे। तो ये अंतर आया वो इंटरव्यू सिर्फ हट जाने से, ऐसा नहीं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी आ गई या बेईमानी रेल में रुक गया, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू हट जाने से मेरिट वाले जो 100% में 90% छट जाते थे, अभी वो 40% हो गए, 50% अपना जगह बना लेते हैं। अरे भाई, आप 150 क्वेश्चन में पूछोगे हम 145 बना देंगे, तब तो नहीं भगाओगे, 120 वाले में ऑप्शन है। तो ये बनी है, बहुत जगह बनी है, उम्मीद करेंगे पॉजिटिव है, अच्छा है, आज नहीं तो कल अगर ऐसा ही रहा तो थोड़े जगह अच्छे बनेंगे, नहीं तो अभी तक मेरे यहाँ पिछले बार 15+5 20 सिलेक्शन हुआ, 1570 में और 530 में, नहीं बोलना चाहिए ऐसे ओपनली, बट मुझे जहाँ तक लगता है इस 20 में 18 जो होंगे वही होंगे, दो ही होंगे जो उस लायक थे, तो ये ठीक नहीं लगता है। जो भी हो, कम से कम जो उसमें डिजर्व करता है उसको मौका दीजिए, ऐसा नहीं कि वो वहीं रह जाए, किसी और को मौका आप देते जा रहे हैं और वो चले गए। जी हाँ, तो दो लोगों का सिलेक्शन हुआ था, बाकी लोग का नहीं जगह बन पाया होगा, या फिर पूरी ईमानदारी हुई होगी, दो ही ऑप्शन हुआ होगा, वो बैकलॉग में खाली, उन्हें वो बैकलॉग में खाली रह जाते। जैसे हमारे यहाँ SC ST में आज तक 30% में पास नहीं किए हैं, एक या दो सीट जो बीज निकलता था हम देखते हैं वो खाली रह जाता है, कहाँ निकला, इस बार भी बैकलॉग को नहीं दिया, दो ही सीट दिया, एक SC का एक ST का, वो भी देखते हैं पास करता है कि नहीं 30 वाले में, तो मुश्किल होती है वो बैकलॉग वाली सीट को थोड़ा, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। अंततः क्या होता है ना, रेलवे का एक प्रोसेस है कि अगर 3 साल में आपने बैकलॉग नहीं भरा तो वो UPSC को दे दीजिए, तो वो लोग UPSC को ट्रांसफर कर देते होंगे, कुछ ऐसे ऐसे। हाँ वही 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 बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी है, पूरा तो मुझे नहीं पता है, बट ऐसे ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस बन जाते हैं, तो कोशिश रहती है उन लोगों की। तो 70 में तो SC ST को चांस बहुत मिल जाते हैं, मैं 30 में हम जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस देखे, रेयरली बहुत कम, पास पता नहीं, ऐसा थोड़ी कि उसमें तेज नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पास होता है, या करने देता है, या क्या होती है मालूम नहीं। जी सर, ऐसा नहीं है, आप सर ऐसा नहीं है, आप RRB कंप्लीट करके आए हैं तो आप में कुछ ना कुछ टैलेंट है, उसके बाद अलग बात है कि आप काम कर रहे हैं एक चीज में, फिर जब मौका मिलता है एग्जाम देने का तो 6 महीना लोग पढ़ता ही है, तो सिग्नल वाले को टेलकम समझ में नहीं आता, या टेलकम को सिग्नल समझ में आता है, ऐसा नहीं है। नहीं वही नहीं, अलग, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर आपको मौका दिया जाए और आप 6 महीना समय है तो कोशिश किया ही जाता है सबका, और सिर्फ क्वालिफाइंग ही करना है, पास ही करना है, वहाँ किसी को 90 नहीं बनाना है, तो इसलिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ उसके पीछे कुछ रीजन रहते थे, वो अलग बातें हैं, क्योंकि हमने देखा खुलिया, हमारे यहाँ तो महाशय जो 20 सीट निकाल के गए रिटायर भी हो गए, मकसद ही था निपट देना है, बस कहानी खत्म है, तो सब ओपन समझ में आ जाती है, गलत है। हमें मेरा मानना है प्राइवेट कंपनियों की जैसा मेरिट मेरिट वालों से वहां भी धांधली है, बट कम से कम जो अच्छे हैं उनको अच्छा जगह मिलने से क्या होता है ना, नीचे वाले को रेस्पेक्ट करने में भी बनता है कि हमारे ऊपर जो आए हैं उनमें कुछ क्वालिटी है, जिस दिन आपके दिमाग में लग जाता है वो बन गया, अब पहले से उनकी इज्जत घट जाती है आपकी नजर में, तो सामने आने पे क्या आप दीजिएगा, जानते हैं कि कुछ नहीं है, 0/0 है, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, टेक्निकल कंडीशंस, नॉन टेक्निकल कंडीशंस हैं, फिर भी हमें लगता है कि इस बार से कुछ सुधार आएगा, हो उम्मीद तो यही रखा जाए, जब नायर लिया है तो कुछ ना कुछ सुधार आना चाहिए और आएगा भी। चलिए शुभ रात्रि आज के लिए, कल मिलते हैं फिर जनरल वाले में, उधर के लिए कुछ प्रयास करेंगे। अच्छा।